कर रहे हैं सीएसटी को लेकर क्या है समाजवादी के प्रति? देखिए ऐसा है, 13 पॉइंट रोस्टर जो प्रणाली केंद्र सरकार ने लागू की है ये दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है, इसीलिए इस 13 पॉइंट रोस्टर को वापस करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिस तरीके गलत तरीके से एयरपोर्ट पर रोका गया, छात्र संघ के एक प्रोग्राम में जा रहे थे और उनको रोका गया, यह संवैधानिक है और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा गया। हमारे सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को बर्बरता से पुलिस ने मारा, आदरणीय सांसद नागेंद्र पटेल को बर्बरता से मारा। क्या ये पंडित होते और ब्राह्मण होते क्या इनको नहीं मारते? इनको बिल्कुल नहीं मारा जाता। हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हम जब मुख्यमंत्री होकर घर के बाहर निकलते हैं तब ये बाबा पवित्र घर को करते हैं। अगर ऐसे ही पवित्र घर करना है तो दलित और ओबीसी एकजुट होकर इनको कभी वोट नहीं देगा और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेगा। हम लोग अभी पार्टी कार्यालय से चल के आए हैं, अपनी जो मांग लेके आए हैं वो राज्यपाल महोदय को देंगे। जब तक वो मांग नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं हटने वाले। हमारी मांग है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है उसको वापस करो और 200 पॉइंट रोस्टर है उसको बहाल करो। अगर 13 पॉइंट रोस्टर रहा तो हमारे लोगों को न दलित को न पिछड़ों को नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा। और जब हम नौकरियों से वंचित हो जाएंगे तो हम तो बेरोजगार पहले से ही थे और भी आप हमारी रोजी रोटी बंद करोगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब आई थी तो दलित प्रेम दिखाया था, जब आई थी पिछड़ा प्रेम दिखाया था। न दलित को मुख्यमंत्री बनाया, न पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया। हम धरना करेंगे और इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं डॉक्टर भूपेन, प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ। आज राजधानी लखनऊ में तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने रोस्टर 13 पॉइंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा प्रदेश कार्यालय से एक पैदल मार्च विरोध मार्च के रूप में पैदल चलते हुए हजरतगंज के अम्बेडकर प्रतिमा पर आकर जोरदार प्रदर्शन के साथ यहाँ पर जमकर नारेबाजी। योगी सरकार के खिलाफ जो 13 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ है उसको खत्म करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ में कल जो अखिलेश यादव के साथ एयरपोर्ट पे घटना हुई उसको लेकर के सफाइयों में काफी रोष, काफी आक्रोश, काफी क्रोधित थे कार्यकर्ता, उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अब देखना योगी सरकार इसमें क्या असर निभाती है। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस वन न्यूज़ लखनऊ।